वो अपनी माँ के साथ रूस रहता था, लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि घर में बिजली तक नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें रूस छोड़ के अमेरिका जाना पड़ा। अपनी गरीबी को दूर करने के लिए उसकी माँ लोगों के घरों में काम करती थी और वो एक दुकान में काम करता था। इसी बीच वो पुरानी किताबों को खरीद कर पढ़ा करता था और उसने अपने दम पर याहू जैसी कंपनी में नौकरी हासिल की। नौकरी करते हुए उसे एक मैसेंजर ऐप बनाने का आइडिया आया, जिसकी वजह से उसने याहू जैसी कंपनी में नौकरी छोड़ दी और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने दुनिया का सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मैसेंजर ऐप बना डाला, जिसे आज हम व्हाट्सएप के नाम से जानते हैं। जहां एक दिन फेसबुक ने उसे नौकरी देने से मना कर दिया था, आज उसी फेसबुक ने $19 बिलियन में व्हाट्सएप को खरीदा और उस बंदे को अपना पार्टनर बनाया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट जेनकॉम। यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आपको अपने आप पर विश्वास है तो परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक बंदा ये काम करके लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुका है। गाइस, मैं बात कर रहा हूं कपिल शर्मा की। लेकिन ये काम उसके लिए इतना आसान नहीं था। बचपन में ही उसने कैंसर की वजह से अपने पिताजी को खो दिया था। घर का सारा पैसा पिताजी के इलाज में लग चुका था। उसके पिताजी हेड कांस्टेबल थे, चाहता तो वो उनकी जगह अपनी जॉब ले सकता था, लेकिन उसने कॉमेडी के अपने पैशन को फॉलो करने की ठानी। इसके लिए उसने द ग्रेट लाफ्टर चैलेंज में पार्टिसिपेट किया। पहली बार तो वो सेलेक्ट ही नहीं हो सका, लेकिन दूसरी बार उसने फिर से कोशिश की और ना सिर्फ इस बार वो सेलेक्ट हुआ बल्कि उसने शो को जीता भी। उसके बाद उसने जिंदगी में कभी पीछे मुड़के नहीं देखा। K9 नाम से प्रोडक्शन हाउस खोला और उसमें अपने नाम का एक शो शुरू किया और आज वो शो द कपिल शर्मा शो के नाम से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुका है। तो इस कॉमेडी के किंग के लिए एक लाइक तो बनता है।